मंगल पांडे की थी 1857 में, वो स्थिति हमारी है। अब हम किसी न किसी परिणाम तक पहुंचेंगे, अभी उनका उपताना ठीक नहीं। सरकारी नियंत्रण में होने के बाद भी इस तरह की घटनाएं हो रही है, इसलिए हम कह रहे हैं कि मंदिरों का सरकारी अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। आगे क्या योजना रहेगी? यही कि सरकार हमारा अधिग्रहण समाप्त करे। महाराज जी, नारी सशक्तिकरण की बातें करते हैं, लेकिन नारियां और बच्चियां आज भी सुरक्षित नहीं, क्या कहेंगे? नहीं, सुरक्षित है और उनके लिए कठोर दंड की व्यवस्था सरकार ने कर दी है, तो विधान और लोकसभा में पास हो गए, सब प्राण दंड तक हो जाएगा उनको। गुरु जी, भारत में ऐसे कई बड़े मंदिर हैं, क्या आपको लगता है कि वहाँ के प्रसाद का भी इस तरह का जांच की जानी चाहिए? हाँ, हो जाएगी। हम लोग अब अलग से व्यवस्था सोच रहे हैं, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा सोच रहे हैं। महाराज जी, कुछ दिनों पहले देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, हर बार आपका मैसेज आता है, इस बार कुछ बोलना चाहेंगे? वो तो हम पहले देश के उनको जन्मदिन की बधाई, वो हमारे मित्र हैं। हम तो कहेंगे आप लोग प्रयास करिए, इस बार महाराष्ट्र में भी आए हो, उनका हाथ सब लोग मजबूत करिए, हरियाणा में, कश्मीर में, महाराष्ट्र में और झारखंड में आए। बस आज के परिवेश में पत्रकारों के लिए क्या भूमिका होनी चाहिए? पत्रकारों की भूमिका होने को अच्छा समाचार छापे, भिन्न भिन्न वैसे कदाचार व्यभिचार के समाचार छापते हैं और संतों का बहुत कम छापते, अच्छा छापे, मैं यही कह रहा हूँ। अगर तिरुपति बालाजी जो मंदिर में प्रसाद है, उनका दोषियों के लिए किस तरह की सजा की मांग करेंगे? अगर जो प्राण दंड की, राम भक्त कैसा होना चाहिए? राम भक्त जैसे हम मैं हूँ, गुरु जी जैसा होना चाहिए।